हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्विस राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए। और आज जो मैंने प्लांट सेलेक्ट किया हुआ है, वो प्लांट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो मैंने आपको जब मैंने मोगरा का वीडियो बनाया हुआ था, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको ऐसे कुछ वीडियोज़ दूंगा जिसमें जैसे प्लांट के बारे में होगा जो काफ़ी ज़्यादा खुशबू देते हैं और आपके घर के आसपास अगर आप उसको लगाते हैं तो आपका पूरा पूरा घर महके जो है। तो उस सीरीज़ में मेरा दूसरा प्लांट है, इसको गंधराज कहते हैं, गंधराज या फिर गार्डनिया कहते हैं। और इस फ्लावर की भी जो खुशबू काफ़ी अच्छी, जैसे इसका नाम ही है गंधराज, मतलब कि सारी सुगंधों का राजा है ये। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है उसमें काफ़ी। और इसी स्प्रिंग सीजन से लेकर समर सीजन में काफ़ी अच्छे से ये ब्लूम करता है। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये कॉफ़ी फैमिली से है, मतलब कि कॉफ़ी के काफ़ी करीबी प्लांट है, जिसका जीनस मतलब कि रूबिका है, एक जीनस मतलब कि जीनस से दोनों प्लांट बिलोंग करते हैं, कॉफ़ी हो या फिर ये गंधराज प्लांट हो, दोनों जो है सेम जीनस के प्लांट हैं। ये प्लांट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि अफ्रीका, एशिया, मेडागास्कर एंड पैसिफिक आइलैंड्स से बिलोंग करता है। एवर ग्रीन प्लांट है, हमेशा हरा भरा प्लांट बना रहता है ये, और मतलब कि हमेशा साल आप इसको एक बार लगा दिए तो ये काफ़ी दिन तक आपके साथ ये प्लांट रहने वाला है, जब तक आप इसकी प्रॉपर केयर करते रहेंगे। और इस प्लांट में चूँकि ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है इसलिए इसको सनलाइट काफ़ी पसंद है, आप इसको जितनी सनलाइट दे सके उतना अच्छा इसके लिए अच्छा है। लेकिन जब वही जब बात आती है पॉट की, तो इसको आप पॉट में अगर आप लगाते हैं इस प्लांट को, तो आपको दोपहर की सनलाइट से इसे बचाना होगा, क्योंकि पॉट में आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, सनलाइट आपको थोड़ी सी बचानी होती है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। बाकी इस प्लांट को अगर आप गार्डन में लगाते हैं या फिर किसी बड़े पॉट में लगाते हैं तो आप इसको फुल सनलाइट दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा इसको सनलाइट मिलेगी उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा है। ये प्लांट रोज़ और एजेलिया के ही तरह एसिडिक लवर प्लांट है, इसको एसिडिक सॉइल काफ़ी पसंद है, मतलब कि इसका जो इसकी सॉइल का पीएच लेवल होना चाहिए वो लगभग 5 के करीब होना चाहिए। तो इस प्लांट को आप जितनी ज़्यादा एसिडिक सॉइल देंगे उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा है। कभी कभी होता है, कई लोगों की शिकायत आती है कि उनके गंधराज की पत्तियाँ गिर रही हैं, तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि उनकी सॉइल में एसिडिक लेवल जो है अब कम हो रहा है, मतलब वो अब वो उसका पीएच लेवल 7 से ऊपर जा रहा है। तो आपको इसका एसिडिक लेवल मेंटेन करने के लिए 2-3 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप इस पर जो आपके घर में चाय पत्ती की पत्ती जो बच जाती है उसको आप सुखा के रख लें, उसकी मल्चिंग इसकी टाइम टू टाइम इसकी मल्चिंग करती रहें। और या फिर आप इस समय जो है तमाम रोज़ मिक्स आते हैं जिनको मतलब गुलाब के पेड़ों में डाला जाता है, तो आप वो रोज़ मिक्स ले सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। विनेगर अगर आपको असली वाला मिल जाए, जो अच्छा विनेगर मिल जाए आपको, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और पानी में घोल करके एक आप लगभग 5 ml 1 liter पानी में घोल करके इसको जो है टाइम टू टाइम 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं इसके प्लांट को। सॉइल मीडिया जो आपको रखना होता है इस प्लांट में, इसको चूँकि ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि इनको हवा में तो मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा सा जो सॉइल जो है इनकी ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए। जो ट्रॉपिकल रीजन के कोई भी प्लांट हो उनको हवा में मॉइस्चर काफ़ी पसंद होता है, मतलब कि जो बरसात वाला मौसम होता है स्पेशली वो उनको पसंद होता है, क्योंकि उस टाइम हवा में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। और लेकिन इनकी सॉइल आप सॉगी ना रखें, गार्डन में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे क्लाइमेट, तो आप वहाँ पे पानी मतलब कि सॉइल मीडिया आप ऐसा रखें, अपनी सॉइल में आप सैंड ऐड कर दें थोड़ा सा, जिससे आपके जो आपका आप पानी डाल दें तो उसमें पानी स्टोर ना होकर के फट से ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो आप थोड़ा सा सैंड ऐड कर दें, आप टी मल्चिंग कर दें, थोड़ा सा विनेगर भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप रोज़ मिक्स आपको जाके मार्केट से आप परचेस कर लें, उसे आप इसमें टाइम टू टाइम जो है देते रहें, वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो एसिडिक सॉइल रख लें थोड़ा सा, मतलब कि इसको खुला माहौल काफ़ी पसंद है, आप इसको ऐसी जगह पे रखें जिसे अगर आप पॉट में लगाते हैं तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे इसको रखें इसके आसपास कोई दूसरा प्लांट ना हो, थोड़ा सा इसको वेंटिलेशन वाली जगह पसंद है जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज डायरेक्ट हवा आती हो। और काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, जबल चांदनी और गंधराज में कंफ्यूज रहते हैं, 2-3 उसमें अंतर होते हैं। एक तो इनकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पत्तियों से भी काफ़ी डिफरेंस होती है इनकी, और जो फ्लावर होते हैं गंधराज का फ्लावर डबल चांदनी के पेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, खुशबू इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, आप काफ़ी दूर से इसके फ्लावर को महसूस कर सकते हैं, इसकी खुशबू आप काफ़ी दूर से महसूस कर सकते हैं। और मेरा ये प्लांट मैंने नर्सरी से लेके आया, इसमें फ्लावरिंग बड भी था लेकिन काफ़ी छोटे पॉट में था, और मैं बता चुका हूँ 2-3 मतलब इस बीच में काफ़ी बाहर रह रहा हूँ, तो इसकी सॉइल पूरी तरीके से सूख गई थी इसलिए इसका बड जो गिर गया, फ्लावरिंग बड गिर गया। लेकिन अब मैं इसलिए मैं इसको आज बड़े पॉट में कर रहा हूँ कि अगर मैं बाहर रहूँ तो अभी जो है
इसको प्रॉब्लम ना होने पाए। तो मैं अभी कल आपको मैंने वीडियो अपलोड भी किया हुआ था जिसमें मैंने हाइबिस्कस की पॉट को खाली किया था मतलब, और वैसे मैंने उसी की तरह मैंने 3-4 पॉट कल खाली किए, काफ़ी प्लांट्स को मैंने पॉट से निकाल करके ग्राउंड में फिक्स किया है। तो उसी से मैंने एक पॉट इसके लिए भी चूज़ कर लिया जो कि काफ़ी बड़ा है इसके लिए, मतलब कि जो पॉट मैंने इसके लिए यूज़ किया हुआ अभी अभी तक जिस पॉट में गंधराज का प्लांट है मेरा उससे काफ़ी बड़ा पॉट है ये। तो आज मैं इसी पॉट में इसको फिक्स करने वाला हूँ। सॉइल मीडिया में जो रखने वाला हूँ वो गार्डन सॉइल में सैंड ऐड करने वाला हूँ लगभग 10-20% के करीब, और थोड़ी सी कंपोस्ट और थोड़ा सा मेरे पास ड्राई ट्यूलिप्स बचा हुआ है, चाकपत्ती थोड़ी सी बची हुई है उसको मैं यूज करने वाला हूँ इसमें सॉइल के मिक्सचर में। ड्राई ट्यूलिप का फ़ायदा ये होता है वो बहुत ही धीरे धीरे गल कर जो है आपकी सॉइल को धीरे धीरे एसिडिक बनाता रहता है। तो ऊपर से आप इसकी मल्चिंग अगर आप किनारे मतलब कि इसके फुटबॉल की चारों तरफ आप हल्का हल्का गड्ढा करके अगर इसकी टी मल्चिंग कर देते हैं मतलब कि टी लीफ की मल्चिंग कर देते हैं तो धीरे धीरे गल करके जो है वो अपनी आपकी सॉइल को एसिडिक बनाता रहता है। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट में सॉइल मिक्सचर तैयार करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा पॉट हो चुका है रेडी और मैंने इसको फर्स्ट टाइम इतना पानी दे दिया, इसके रहने झोल से पानी निकलना शुरू हो गया था। और आपको इससे रेगुलर पानी देना है, आपको इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है स्पेशली गर्मियों में, लेकिन ठंडियों में आप थोड़ा पानी देना कम कर दीजिएगा, ठंडियों में आप इसे ज़्यादा पानी मत दीजिए, लेकिन गर्मियों में आप इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखिए। अगर आपके पास कहीं से अवेलेबल हो पाता है पाइन बार्क तो आप इसके सॉइल के ऊपर आप पाइन बार्क की मल्चिंग कर सकते हैं। पाइन बार्क की मल्चिंग से होगा क्या कि आपकी एक तो आपकी सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, दूसरा आपकी पाइन बार काफ़ी धीरे धीरे पानी के साथ डिजॉल्व होकर के आपकी सॉइल में जाता रहेगा और आपकी सॉइल की एसिडिटी को मेंटेन करेगा। पाइन बार्क मिल जाए आपको, या फिर अगर आप चाहें तो आप राइस ब्रान भी इसमें यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए ऊपर से, उससे जो है आपकी सॉइल जो है मॉइस्ट बनी रहेगी और धीरे धीरे उसमें भी जो है एसिडिक गुड़ होता है तो वो भी धीरे धीरे अपने साथ सॉइल में इस सॉइल की एसिडिटी बढ़ाता रहेगा। या फिर आप मेरे पास में अभी जो है फिलहाल चेक जो टी लीव्स है वो काफ़ी कम है, वो भी आप किनारे किनारे इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। बात अगर प्रोपेगेशन की जाए तो इसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं कटिंग के थ्रू, एयर लेयरिंग के थ्रू, और अगर आपके आसपास कहीं कोई प्लांट अवेलेबल है तो आप उसको कटिंग ले आए, या फिर अगर आप ज़्यादा कुछ करीब प्लांट है तो आप उस पर आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं उस प्लांट पे। तो दोनों मेथड से काफ़ी ईजिली ये प्लांट डेवलप हो जाता है। तो आप अगर आप नहीं मिल पाता आपके पास का प्लांट तो आप जाएं नर्सरी से लेके आए, काफ़ी मतलब कि खुशबू वाला प्लांट इसको जरूर लेके आए अपने यहाँ लगाएं, जिससे आपके घर के आसपास इसकी खुशबू फैल जाए। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड आते हैं और वो लेकिन वो गिर जाते हैं पीले होकर, तो आप इसके ऊपर जो है इप्सम सॉल्ट को पानी में मिक्स करके जो है इप्सम सॉल्ट मार्केट से परचेज करके ले आएँ, उसे पानी में मिक्स करके इसके ऊपर सावर कर दें, उससे आपके प्लांट के जो फ्लावरिंग बर्ड्स गिर रहे हैं वो गिरना रुक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकॉन बनाओ उसे भी दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।